कोरोना जैसी महामारी बीमारी को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह के निर्देश अनुसार वार्ड नंबर 22 के रंजीत सिंह नगर में कांग्रेस के प्रवासी सेल पंजाब के चेयरमैन मोहम्मद गुलाब के सहयोग से इलाके के विनोद तिवारी की अगुवाई में जरूरतमंद परिवार लोगों को इलाके में 100 लोगों को राशन किया बांटा गया। तिवारी ने लोगों को आश्वासन दिया कि लोगों की सहायता लॉकडाउन तक सरकार के द्वारा जारी रहेगा और लोगों से शारीरिक दूरी के साथ घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनने की अपील की। हमें इस बीमारी से डरना नहीं बल्कि बीमारी को दूर भगाना है। इस मौके पर विनोद तिवारी, विपिन कुमार गुप्ता, अलाउद्दीन अंसारी, बाबूराम, विकास कुमार आदि लोग मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज इंडिया। और कैप्टन अमरिंदर मुख्यमंत्री ने सभी लोगों को बोले हैं कि लॉकडाउन में जो कोरोना महामारी का बीमारी चल रही है इसमें कोई भूखा नहीं रहेगा, तो इसके बारे में क्या जानकारी दे रहे हैं? मैं विनोद कुमार तिवारी। जैसे कि आपने देखा कि 22 नंबर वार्ड में लगभग वार्ड के तमाम गली से रंजीत नगर, फौजी कॉलोनी और तमाम एरिए से मजदूर वर्गों को मुख्यमंत्री कैप्टन सरकार के बदौलत, इसमें मोहम्मद गुलाब 22 चेयरमैन पंजाब सरकार के बदौलत, जो गरीबों को मजदूरों को राशन वितरण का काम किया गया है उसमें अहम योगदान मोहम्मद गुलाब 22 चेयरमैन पंजाब सरकार का रहा है। उन्होंने हमारे टीम के पास, विपिन गुप्ता जी, बाबूराम यादव जी, अलाउद्दीन अंसारी, तमाम टीम के पास लगभग 200 किट इन्होंने दिया और यह भी आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में और भी हम राशन देंगे, मजदूरों को भूखे पेट नहीं सोने देंगे। इसलिए मैं सबसे ज्यादा